गुजरात में अजब करप्शन की गजब कहानी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के यूनियन काउंसिल साथ में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन यूनियन काउंसिल बैरून मुल्क मुकीम अख्तियारात उसका बेटा इस्तेमाल करता रहा है। राणा शहजाद हमारे साथ मौजूद होंगे, 24 न्यूज के नुमाइंदे, उनसे मजीद बात करेंगे। राणा शहजाद बताइएगा, कोई एक्शन लिया गया इस पर? जी बिल्कुल, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की यूनियन काउंसिल फात खालदाबाद के चेयरमैन चौधरी नसरुल्ला खोखर एक साल से बरूने मुल्क कारोबार के सिलसिले में मुकीम है। उन्होंने सेक्रेटरी के साथ जो है वो मिलकर तमाम इख्तियारात अपने बेटे समान नसरुल्ला खोखर को दे रखे हैं, जो कि तमाम कागजात पर दस्तखत करता है और फंड की माद में करोड़ों रुपए की करप्शन की है। राय के मुताबिक ये भी पता चला है कि उसने कई लोगों को इस पर जो है वो भर्ती भी करवाया गया है, जबकि दूसरे जो यहाँ पर जो है वाइस चेयरमैन है उनका यह कहना है कि चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन के पास इख्तियारात होते हैं, लेकिन चेयरमैन ने ऐसा हरगिज नहीं किया। अपने जो इख्तियारात है अपने बेटे को दिए हैं, जिसकी माद में उसने जो है करोड़ों रुपए की जो है वो करप्शन की है। मकामी लोगों ने एंटी करप्शन को दरख्वास्त दे रखी है कि इस पर जो है वो एक्शन लिया जाए, लेकिन तमाम आला अफसरान जो है वो भी चुप चाप है। बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे।